देश भर में मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्योहार। पीएम मोदी ने देशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी। कांग्रेस के काले प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार हमला। कहा 5 अगस्त को काला जादू फैलाने की कोशिश, काले जादू से तिरंगे का अपमान, काले कपड़े से नहीं हटती निराशा। काले कपड़े के प्रदर्शन पर पीएम की टिप्पणी से भड़की कांग्रेस। प्रियंका ने महंगाई पर पूछे सवाल तो जयराम रमेश ने काले धन का उठाया मुद्दा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से की मुलाकात। आज उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे जगदीप धनखड़। यूपी बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल को बड़ी जिम्मेदारी। राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए सुनील बंसल। धर्मपाल सिंह को मिला प्रदेश महामंत्री संगठन का जिम्मा। जालान में बुलडोजर पर निकाली गई तिरंगा यात्रा, बीजेपी के कई नेता भी शामिल हुए। श्रावस्ती में आजादी के अमृत महोत्सव का दिखा अनोखा जश्न। 7,500 दीप जलाकर लोगों ने मनाया आजादी का जश्न। झांसी में आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर तिरंगा रैली निकाली गई। तिरंगा यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। आजमगढ़ में स्वतंत्रता दिवस से पहले हाई अलर्ट। जिले के 42 जगहों पर आकस्मिक चेकिंग। बाहर से आने वालों और किरायेदारों की होगी जांच। हरदोई में दो समुदाय के वाद के बाद जमकर चले पत्थर। तमंचा लेकर सरेआम दहशत फैलाने की कोशिश के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। गाजियाबाद के लोनी में अवैध हुक्का बार पर छापेमारी। पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया। छापेमारी के दौरान कई लोग फरार। प्रयागराज के सोराव में हुए डबल मर्डर का खुलासा। लूटपाट के इरादे से घर में घुसे बदमाशों ने हत्याकांड को दिया था अंजाम। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी। एसटीएफ ने अपर निजी सचिव गौरव चौहान को पकड़ा। 1 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद। एक्टर मुकेश खन्ना के खिलाफ दिल्ली महिला आयोग ने सख्त कार्रवाई की मांग की। महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप। नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। नुपुर से जुड़े सभी केस दिल्ली ट्रांसफर किए जाएंगे। नुपुर के खतरे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है आदेश। गुरुग्राम के क्लब में मारपीट करने के आरोपी बाउंसरों पर कसा शिकंजा। 6 बाउंसर गिरफ्तार। पुलिस को कार्रवाई में लगे 3 दिन। 15 अगस्त से पहले कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने पुलवामा में करीब 30 किलो IED डिफ्यूज किया। बड़े धमाके की फिराक में थे आतंकी। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में बड़ी कामयाबी। सुरक्षा बलों ने लश्कर के सभी 3 आतंकियों को किया ढेर। चीन ने ताइवान को दी खुली धमकी। तनातनी के बीच श्वेत पत्र जारी कर कहा कि जरूरत पड़ी तो ताइवान को बलपूर्वक कब्जे में किया जाएगा। क्यूबा में ऑयल स्टोरेज में लगी आग ने मचाई तबाही। तेल डिपो का 40% हिस्सा पूरी तरीके से बर्बाद। आग बुझाने में एक फायर फाइटर की मौत। 14 लापता।